सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज का वीडियो कुछ यूनिक होने वाला है। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे पीछे सोफ़ा है, तो अपने सोफे को मैं किस तरह से मेंटेन करती हूँ, क्योंकि घर में जब बच्चे होते हैं या तो खाने की चीज़ें उसमें गिराते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टेन वगैरह और गंदे होते हैं, तो उसमें तो चिपकते ही रहते हैं, तो इसलिए तो हम रोज़ साफ़ कर नहीं सकते हैं। तो मैं इसे एक बार इसे क्लीन ज़रूर करती हूँ। तो मैं अपने सोफ़े को किस तरह से मेंटेन रखती हूँ वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे वैक्यूम क्लीनर। सो मैं इसी से अपना सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह, अगर घर की क्लीनिंग करनी हो, कुछ जो हम रोज़ नहीं कर सकते, सो मैं इसी से अपनी अपने घर को क्लीन रखती हूँ। तो मेरा यूरेका क्लीन, सो यूरेका क्लीन का ये है सकिंग एरिया, टोइंग एरिया। आप कहीं भी किसी भी चीज़ को ड्राई कर सकते हो इससे। और ये पार्ट है आपका डस्ट बैग, पेपर डस्ट बैग। और ये है क्लोथ बैग। हम इसे घर की तो क्लीनिंग करते ही हैं कि अपनी कार की भी क्लीनिंग करते हैं। ये तार काफ़ी लंबा है, देखिए। आप अगर एक स्विच बोर्ड में लगाकर आप अगर दूर में भी काम करना चाहो तो आप इसे कर सकते हो, एक रूम से दूसरे रूम में भी। ये है हाउस पाइप है, जो इसे हम वैक्यूम क्लीनर में लगाएंगे अभी। पुश करना और इसे ऐसे, देखिए ये टाइट हो गया। तो गाइज मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये पाइप से कितनी गंदगियाँ वो सक करता है। सो ये है वाइट हैंकी पाइप, में उसे लगाऊंगी और आप ये आप सबको दिखाऊंगी कि ये कितनी डट कलेक्ट करता है। गाइज मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही सोफा को साफ किया है गाइज। सो आप ये
मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इस यूरिका के साथ मुझे क्या क्या टूल्स मिले हैं और उसके यूजेस भी बताती हूँ। सो गाइस, ये मेरे टूल्स हैं जो मुझे यूरिका फोक से मिले हैं। सो ये है आपका कारपेट क्लीनर, ये कारपेट क्लीन करती हूँ इससे। ये आपका कार वॉशर है, ये आपका कार वॉशर है, ये आपके जो पाइप है कि आपके डिस्टेंस एरिया तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आप इसे फिक्स करके आप उससे यूज़ कर सकते हो। और ये है फ्लोर ब्रश है, मैंने आप इसे फ्लोर में अगर पानी वगैरह फ्लोर क्लीनर है, ये फ्लोर की डट साफ़ करने की है। ये है नैपथलीन ब्लोअर है, इससे आप डैंड्रफ वगैरह में यूज़ कर सकते हो, इसे आप बलून ब्लो कर सकते हो। और ये है पेंटिंग के लिए स्प्रे है, यहाँ से आप पाइप फिक्स करके आप पेंटिंग कर सकते हो। और ये है गाइस आपकी कर्टन्स वगैरह की सफाई के लिए है। और ये ब्रश है आपकी टीवी वगैरह जो साफ़ करनी होती है जो कॉर्नर्स में, वो आप इसे क्लीन कर सकते हो। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कर्टन वगैरह कैसे क्लीन करती हूँ। कर्टेन की क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम कर्टेन को तो रोज उसकी सफाई कर नहीं सकते हैं। सो अगर उसमें डर्ट हो तो हमें बहुत हैवी भी लगता है ये कर्टेन साफ करने में, क्लीन करने में। सो मेरे तो कर्टेन डर्ट भी है, सो फिर भी मैं आपको डेमो दिखाई हूँ और फिर मैं अभी इसकी क्लीन यूजेस बताती हूँ। जैसे मैं टीवी क्लीन करती हूँ, मैं इसे ब्लोअर में लगाऊंगी। सो गाइस, ये है नैपथलीन स्प्रे या फिर आप बोलिए परफ्यूम स्प्रे। अगर आप इसमें परफ्यूम की कॉटन्स डाल के आप पूरे रूम में स्प्रे कर सकते हो या फिर नैपथलीन की बॉल्स डाल कर पूरे रूम में स्प्रे कर सकते हो। तो गाइस, आपने देखा कि मैंने किस तरह से अपने वैक्यूम क्लीनर की यूज़ करती हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। तो अगर आगा वीडियो आपको और अच्छा लगे तो आपको वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।